शरद पवार साहब वाला जो एनसीपी है, तो अब जो भी लोग उनके पास बच गए हैं, हमने सुना है कि उसमें भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को अभी भी लाने के लिए। नहीं, हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, कुछ लोग आना चाहते हैं ऐसा हमको बार बार पता चलता है, जो आना चाहते हैं उनको लेंगे। आना चाहते हैं, मैं सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, जब आपको ईवीएम पर इतना भरोसा है, तो ये बात शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब दोनों बोलते हैं कि जब ईवीएम पर भरोसा है तो ईडी पर इतनी डिपेंडेंस क्यों? देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ईडी आज बनी है? ईडी को बनाने वाले कौन है? ईडी को अधिकार देने वाले कौन है? ईडी का कानून बनाने वाले कौन है? चिदंबरम साहब है, यूपीए की सरकार है, और इससे पहले क्या कार्रवाइयाँ नहीं हुई है? देखिए, मैं सीधी बात कहता हूँ, देश में कोर्ट है, देश में कानून है, देश में व्यवस्था है। अगर कोई एजेंसी गलत काम करेगी तो देश के कोर्ट उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप हर दिन नया भ्रष्टाचार करेंगे, और जब भ्रष्टाचार उजागर होगा और कोई कार्रवाई आपके ऊपर होगी, तो फिर आप छाती पीट के कहोगे कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, इस प्रकार से हो रहा है। ये नहीं होता है, ये गलत बात है। हमको ईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ईडी के भरोसे राजनीति नहीं करते, हम काम के भरोसे राजनीति करते हैं। और देखिए, ईडी के भरोसे समाज का जो गरीब तबका है उसके वोट नहीं जीते जा सकते, हमने उसके वोट जीते हैं मोदी जी के काम के भरोसे। ये हम लोगों का चैटर क्लास का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि आज समाज का जो गरीब तबका है उसके मन में ये बात पक्की है कि मेरा भला कोई कर सकता है, मेरे समाज का भला कोई कर सकता है, मेरे देश का भला कोई कर सकता है, तो मोदी जी कर सकते हैं।